3-4 महीने में ना ट्रेंड चल गया है, जहां जहां कचरा डलता था जी जी, लोगों ने वहां किसी न किसी भगवान को बिठा दिया, मूर्तियां लगानी शुरू कर दी कि लोग यहाँ गंदगी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और शहर की जो गंदगी है वहां से हटकर के कहीं और डल रही है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। जबकि एक चीनी कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और वो अभी तक नहीं कर पा रही। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। गुरुग्राम की जो हालत है इसका जिम्मेदार कौन है? चुनावों की बात करें तो बार बार जो है भ्रांतियां फैलाई जाती है कि अब होंगे चुनाव, तब होंगे चुनाव, बट उसके बावजूद भी जो है निष्कर्ष तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, कोई नहीं बता पा रहा कि चुनाव आखिरकार होंगे कब, क्योंकि चुनाव ना होने की सूरत में निवर्तमान पार्षद शायद काम नहीं कर पा रहे और जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है, उनको समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां पर। तो आइए बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता ऋतुराज अग्रवाल जी से और जानते हैं कि आखिरकार चुनाव ना करवाने के पीछे क्या कारण है, और जो गुरुग्राम बार बार गुहार लगा रहा है कि गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ऋतुराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, दिन में बहुत लोगों से मिलते हैं, नगर निगम के चुनावों को लेकर क्या आता है दिमाग में, क्यों नहीं हो रहे? देखिए, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार ने पिछले 9 साल में या पिछले 10 साल में जो है वो किसी तरीके के काम गुड़गांव के अंदर नहीं करे जी। जो कुछ हाईवे के काम हुए हैं या अंडरपास के हुए हैं वो NHAI सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हैं। तो आज अगर देखा जाए कि हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि खुद पार्टियां डर रही है कि कैसे न कैसे ये जो चुनाव है वो पोस्टपोन किए जाएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चुनाव होंगे उस समय कहीं ना कहीं जब मोदी जी की लहर बना करके और उस समय ये चुनाव करवाए। सर, हमारे एक जो वक्ता हैं कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने बोला कि गुरुग्राम की अगर बात करें या धरातल की बात करें तो वहां पर मोदी जी को ना लाकर खट्टर साहब के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते? आपका क्या कहना है कि बड़े शीर्ष नेताओं का नाम लेकर जो है आम लोगों से वोट मांगने का प्रयास क्यों कर रही है सरकारें? अब भी हालात ऐसे हैं कि अगर हम पंचायती, अभी पीछे पंचायती चुनाव हैं, पंचायती चुनाव में भी मोदी जी के कामों को गिनाया गया कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम अच्छे करे हैं, कुछ गलत काम भी हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि हाँ सारे काम अच्छे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए हरियाणा के नाम, हरियाणा में अगर खट्टर सरकार की बात की जाए, JJP सरकार की बात की जाए, तो किसी भी तरीके का ऐसे काम नहीं है कि जो आज बता सके। खुद अगर हमारे प्रदेश के मुखिया अगर किसी जगह जाकर के कोई पब्लिक सभा करते हैं तो उससे पहले विपक्ष के या हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को उठा करके बंद कर दिया जाता है या नज़रबंद कर दिया जाता है, या फिर अगर कोई लोग उनसे जा करके गुहार लगाते हैं या इस तरीके से कुछ सवाल करते हैं जी, तो कह देते हैं कि ये तो विपक्ष के लोग हैं जी, या उलूल जुलूल बयान देते हैं। तो उससे आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो योगी मोदी जी की बात होती है जी। वहां पे योगी जी का जो कार्य है, उनके जो एक पर्सनैलिटी है वो दिखती है लोगों के अंदर। लेकिन अगर आज हरियाणा के अंदर अगर खट्टर साहब या दुष्यंत चौटाला के नाम पे अगर वोट मांगे जाएं तो कहीं ना कहीं इनको मेरे हिसाब से ये पहले 80 पार की बात कर रहे थे तो ये 8वीं पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात। चुनावों की अगर बात करें, चुनाव ना होने की सूरत में जो है गुरुग्राम की जनता क्या भुगत रही है? देखिए, गुरुग्राम की जनता को मिला क्या है जी? भुगत तो हम पहले भी रहे थे और पिछले 10 साल बाद में भी आए, पूरे 2 टर्न और इनके हो चुके, अभी भी भुगत रहे हैं। गुड़गांवा को पिछले 10 साल के अंदर ना ही मेट्रो मिली जी, गुड़गांवा को ना ही बस स्टैंड मिला। एक सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था, रेनोवेट करवाया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, उसे कुछ इक्विपमेंट थे उसमें, लेकिन वो जो है उसको 3 जगह डिवाइड कर दिया गया। अभी हाल ही की बात बताऊं तो एक बुजुर्ग है, पिछले 2 दिन से वो सिविल हॉस्पिटल जा रहा है बेचारा इलाज के लिए, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से उसका नंबर नहीं आ रहा, तो सिविल हॉस्पिटल नहीं है। एजुकेशन की बात करें तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी 18% GST लगा चुकी है, और यहाँ पे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पैसा देना है, प्राइवेट में अगर उनका एडमिशन होता है तो सरकार पैसा देती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एजुकेशन के लिए क्या किया है। सड़कें, आज ऑफ रोडिंग का मजा लेना है
तो शहर के अंदर किसी भी सड़क पे आप निकल जाइए, ऑफ रोडिंग का मजा है पूरा। बारिश अगर थोड़ी सी हो जाती है तो पूरी तरीके से स्विमिंग पूल का मजा है। किसी भी गली में जाइए, कहीं पे आप नाव से भ्रमण कीजिए। तो ये सुख सुविधाएं तो मिली हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उस समय हमारे बहुत सारे शहर के जो नेता हैं, जो अभिनेता कहूँगा मैं फिलहाल, वो अभिनेता थे, तो वो आए आकर के झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाई, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। आज अगर हम देखें तो वो पोस्टर्स भी गायब हैं और वो अभिनेता भी गायब हैं जी। उनकी झाड़ू वाली फोटो है कि अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरा शहर गुरुग्राम जो है वो कूड़ा ग्राम बन चुका है जी। जब से पार्षदों का टेन्योर खत्म हुआ है, पब्लिक किसी पार्षद के पास भी अगर जाती है तो पार्षद कहता है जी मेरा तो टेन्योर खत्म हो गया, मेरे हाथ में नहीं है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। फिर पता चलता है कि जो पार्षद उम्मीदवार हैं उन्हें लड़ना है, तो उन्हें पता चलता है कि अरे अरे मेरे वार्ड का ये हिस्सा था, मुझे तो इसमें काम करना है, वो उधर काम करने के लिए थोड़ा सा भागा दौड़ी करता है, तो पता चलता है कि नहीं 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 वार्ड बंदी चेंज होगी जी, ये है अब, तो वो खुद कंफ्यूज है कि वो काम कहाँ करें। और इसी के चलते शायद वो काम कर भी नहीं पा रहे, उनके दिमाग में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार करे तो करे क्या। बिल्कुल। और नए उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि नयों को समझ ही नहीं आ रही कि ये हमारा पार्षद बनेगा या कोई और पार्षद बनेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि, और एक इशू और है कि 4-5 तरीके के डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बना दिए गए। हुड्डा हो गया, MCG हो गई, और आपका GMD हो गया। अब एक सड़क जा रही है GMD की, एक जा रही है MCG की, एक है हुड्डा की, पानी कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, तो आपको 3 डिपार्टमेंट या 4 डिपार्टमेंट अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन हमारे शहर वालों के लिए इतनी ज़्यादा भयानक है, इस तरीके से डेंगू की जैसे अब शहर के अंदर डेंगू बढ़ रहा है, और चीज़ें हैं, उसके लिए सुनवाई कहाँ है। यहाँ तक कि खुद भगवान को नीचे उतर के आना पड़ा है अब शहर की सफाई के लिए जी। मैं ये कहूँ तो आप देखेंगे कि पिछले 3-4 महीने में ना ट्रेंड चल गया है, जहां जहां कचरा डलता था जी जी। लोगों ने वहां किसी न किसी भगवान को बैठा दिया, मूर्तियां लगानी शुरू कर दी कि लोग यहाँ गंदगी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, और शहर की जो गंदगी है वहां से हटकर के कहीं और डल रही है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। जबकि एक चीनी कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और वो अभी तक नहीं कर पा रही। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली ऋतुराज अग्रवाल जी, कि पहले अगर हम बात करें कबीर भवन चौक की, पहले वहाँ पर मूर्ति जो है उसकी स्थापना की गई, स्थापना भी नहीं कहूँगी क्योंकि प्रॉपर तरीके से की गई या नहीं की गई ये भी हमें नहीं पता है इसके बारे में। उसके बाद बोले तो शमशान घाट के सामने, और हमने सुनने में आया मदनपुरी पर भी यही है। तो क्या यहाँ पर सीधा सीधा कटाक्ष जो है वो हिंदुओं की आस्था के साथ हो रहा है? क्या प्रशासन इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले सकता? क्योंकि अगर भगवान की बात करें, भगवान की जगह मंदिरों में होती है, ना कि सड़कों पर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कही कि मंदिर किस लिए बनाए गए जी। आप एक कहते ना कि एक छोटा सा आदमी भी है, एक झुग्गी भी बसा के, तो वो छत मांगता है जी जी जी। और आप भगवान को एक चौराहे पे इसलिए बगर छत के बैठा रहे हैं, बगर किसी प्राण प्रतिष्ठा या बगर किसी पूजन विधि विधान के, आप सिर्फ इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ कचरा पब्लिक फेंक रही है, प्रशासन सुन नहीं रहा, तो थकार करके पब्लिक ये काम कर रही है। अब खुद सोचिए कि शहर के लोग कितने मजबूर हैं जी, कि आज कहीं पे भी सुनवाई ना होने की वजह से वो भगवान का सहारा ले रहे हैं जी। तो ये अगर हम आज मौजूदा सरकार की बात करें तो वो हिंदुत्व धर्म की बात करती है, तो वो लानत है ऐसी सरकार पे कि भगवान को खुद उतर के आना पड़ रहा है और खुद इस तरीके से लोग जो है आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके, क्योंकि सरकार नकारा और नाकामयाब साबित। हम दोबारा अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। गुरुग्राम के चुनावों की अगर हम बात करें, तीनों पार्टियां जो है अपने आप को मजबूत बता रही हैं। बात करें भाजपा की, बात करें कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, कि तीनों कह रही हैं कि नहीं, हमारे लोग अभी मौजूद हैं, हम जो है कुछ करके दिखाएंगे, गुरुग्राम की तस्वीर बदलेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपका क्या कहना है कि ये तीनों कुछ वर्चस्व अपना कायम कर पाएंगी, कुछ करा है? या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, वो दिल्ली या फिर पंजाब की एक रेफरेंस लेकर काम कर रही है। कांग्रेस कह रही है हमने पहले बहुत काम किया तो अब भी करेंगे। भाजपा कह रही है जी हमने 370 हटा दी तो हम तो कर ही रहे हैं। क्या कहेंगे?
देखिए 370 हटा दी, हटनी भी चाहिए थी 35 से, जो चीजें हैं वो ठीक है अच्छी हुई, मैंने आपको पहले भी कहा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है जी। मौजूदा जो लोकल इलेक्शन है वो होता है आपके काम के बेस पे, जो लोकल में आपने काम किया हो। आज के टाइम देखें तो बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जो हर साल जलभराव के शिकार होते हैं। काफी सालों से हम सुन रहे हैं कि ड्रेन बनेगी, ये होगा, वो होगा, नालों की सफाई समय पे होगी, और हर साल ये होता है कि बारिश के बाद में टेंडर छूटता है या बारिश के समय टेंडर छूटता है, और जब पूरा शहर परेशान हो लेता है उसके बाद में ये नालों की सफाई होती है बारिश जाने के बाद में जी। और पूरे साल वो फिर भरते हैं और फिर अगले साल वही सिचुएशन। आज अगर बीजेपी कहे कि हमने काम किया है तो मैं ये कहता हूं कि बीजेपी की मेयर या कोई भी प्रत्याशी जी जी गुड़गांव में किए हुए 5 काम वो बता दें कि जिससे शहर के लोगों को फायदा हुआ हो, शहर के अंदर ऐसे 5 काम उनके कोई भी नहीं है जी। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस का अभी तो कुछ वर्चस्व नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे मोस्टली वो बीजेपी के कार्यकर्ता है या आम आदमी के पार्टी जी, क्योंकि शफल हो चुके हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि जैसे सत्ता बदलती है लोगों के झंडे बदल जाते हैं जी। तो वो सिचुएशन तो है, और कांग्रेस के अभी कार्यकर्ता इतने नजर नहीं आ रहे, कुछ हैं जो काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो मैं कहीं ना कहीं एक या दो ऐसे कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के जो लगे रहते हैं छोटी मोटी चीज़ों पे, लेकिन उनका अस्तित्व या वर्चस्व इतना नहीं है कि, लेकिन हाँ मैं अगर बात करूँ काम की, निगम की जी, तो निगम में जैसे दिल्ली के अंदर आए हैं तो उन्होंने जैसे यहाँ पे तो कूड़ा उठाने के लिए एक चाइनीज कंपनी को दिया हुआ है कि आप ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन जो लोकल पब्लिक है उनको अवेयर नहीं किया जा रहा है जी। और दिल्ली के अंदर जो है अभी लास्ट मैंने देखा कि जो बरसात का सीजन था, शुरू हो रहा था, तो वहाँ क्या किया कि जितने भी इनके नर्सरी थी, जो गवर्नमेंट नर्सरीज हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक छोटा सा पैक बनाया किचन गार्डनिंग के लिए जी। उसमें कुछ शीट्स थे, कंपोस्ट और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उन्होंने कहा कि आप ये लेके जाइए, 100 या 150 रुपए उसकी कॉस्ट थी, जबकि मार्केट में उसकी कॉस्ट 800 या 900 रुपए के आसपास है जी। उन्होंने वो लोगों को लत डाली कि आप जो अपना ग्रीन वेस्ट है उसको आप घर के गमलों में डालें, किचन वेस्ट को कंपोस्ट बनाएं, ताकि वो जो कचरा है वो बाहर कम डले जी जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँगा कि लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट जगाना शुरू किया कि आप बाहर कचरा कम फेंके जी जी। लेकिन गुड़गांव के अंदर ऐसे प्रयास नहीं हुए। अंत में आपसे जानना चाहूंगी, गुरुग्राम में चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे, क्या सही में बात करें खट्टर सरकार डरी हुई है? क्योंकि धरातल की अगर बात करें, जैसे आपने भी कहा कि कुछ काम नहीं हुआ, कहीं पर भी अगर हम देखें तो बिल्कुल शून्य लग रहा है काम को लेकर। अगर बात करें बस चुनाव आने की देर है, जैसे ही बातें शुरू होंगी वैसे ही शायद काम शुरू हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि सरकार अभी डरी हुई है या फिर उन्होंने दिमाग में कुछ और ही एजेंडा पाल रखा है? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है, और जो मौजूदा बीजेपी के साथ में या और कहूँ और किसी पार्टी के जो भी समाजसेवी या कार्यकर्ता या जो नेता हैं जी, जैसे ही चुनावी घोषणा होती है वो खंभों पे टंगे हुए मिलते हैं, जी, आपका जी, भाई, आपका समाजसेवी, आपका जी, बेटा जी। सारी रिश्तेदारियां याद, हाँ सारी रिश्तेदारियां याद आ जाती हैं, लोगों से मिलना जुलना, सेवा भाव, कैंप्स लगाना, वो चालू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि जी आशंका नहीं लग रही चुनाव की, तो वो भागना शुरू कर देते हैं, फिर वो होर्डिंग्स भी खत्म, वो सारे भाई समाज से भी बेटे वो भी खत्म, तो वो लोग भी परेशान है, उन्हें भी पता है कि आज हमने काम नहीं किया है। लोकल जो जनता है वो परेशान है, और अगर आज के टाइम अगर हम चुनाव में अगर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी काफी सारे प्रत्याशी बीजेपी के ऐसे थे जो हारे हैं जी, इंडिविजुअल प्रत्याशी जो थे वो ज्यादा चुन के आए थे, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डर जो है सरकार, खट्टर सरकार के मन में ये भरा हुआ है कि अगर इस तरह अभी चुनाव करवा दिए गए या सेंटर के चुनाव के आसपास ये चुनाव करवाने की इनकी थोड़ी सी नीति लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी हमारे साथ बात करने के लिए।
ये थे हमारे साथ ऋतुराज अग्रवाल जी जो कि समाज सेवी हैं। एक छोटी सी अगर हम बात आपको कहना चाहें कि गुरुग्राम की दशा आज ऐसी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े लोगों के वर्चस्व से ज्यादा है कि इंडिविजुअल व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है। जो पार्षद का चुनाव है सीधा 1-to-1 का चुनाव है ताकि लोग उन्हें जाने, लोग उन्हें पहचाने। वार्ड का चुनाव होता है वो, तो उसमें कहीं ना कहीं जो भूमिका बड़ी पार्टियों की है वो नहीं दिखाई देती। काम जो करने वाला व्यक्ति है वो कैसा है, किस तरीके का व्यवहार करता है, कैसा वो काम करवा रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है। गुरुग्राम की जनता से भी निवेदन है कि आप भी इस बार जो है वोट करते समय इस चीज का ध्यान रखें। और सरकार से भी अनुरोध है कि गुरुग्राम बार बार गुहार लगा रहा है नगर निगम के चुनावों को लेकर, गुरुग्राम को इतना पीछे भी मत कीजिए कि दोबारा से गुरुग्राम जो है गुड़गांव बन जाए, क्योंकि सोचने की समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसमें लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो है जो उनकी हालत है आपकी हालत खराब करने का काम करे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल स्विच।